हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। नाइन्थ क्लास सीबीएसई इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स चैप्टर 15। चैप्टर हम 14 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 15 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नेम इज प्रोबेबिलिटी, इसको कहते हैं प्रायिकता। देखिए भाई, प्रोबेबिलिटी क्या है? ये प्रोबेबिलिटी मीन्स, आज हम इसका ऑनली इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमें स्टडी करनी है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें जानना है कि हम प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए, प्रोबेबिलिटी क्या है? ये किसी भी काम के होने की कितनी संभावना है, इसको अगर हम मैथमेटिकल रूप में शो करें तो वो हमारी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे मैं यह कहूँ कि आज बारिश होने की संभावना है, तो कितनी परसेंट संभावना है, इसको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, 50% है, 30% है, तो ये उस घटना की या उस इवेंट्स की क्या होगी? प्रोबेबिलिटी होगी। जैसे मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो उसमें हेड आएगा या टेल, ये भी एक संभावना को व्यक्त करता है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि जब हम कोई भी टीम मैच खेलती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो टॉस करती है, तो उसमें भी संभावना को व्यक्त किया जाता है कि कौन सी टीम पहले बैटिंग करेगी या बॉलिंग करेगी, तो उसकी कितनी संभावना है। तो कोई काम की कितनी संभावना है उसको व्यक्त करने के लिए हम प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। तो देखिए, इसके हम दो टाइप्स पढ़ेंगे। एक होता है इसका एक्सपेरिमेंटल अप्रोच और सेकंड है थ्योरेटिकल अप्रोच। तो थ्योरेटिकल जो अप्रोच है वो 10th क्लास में है और एक्सपेरिमेंटल जो अप्रोच है वो आपका इस 9th क्लास के अंदर है। तो देखिए, इसमें कौन कौन से टर्म्स यूज होंगे। एक्सपेरिमेंटल अप्रोच के अंदर, जैसे कि आपने कोई भी कॉइन को टॉस किया और टॉस करने पर हेड कितनी बार आया, हेड कितनी बार आया, नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ हेड अपॉन नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो ये उस इवेंट्स की क्या होगी भाई? प्रोबेबिलिटी कि नंबर ऑफ हेड्स, किसी भी कॉइन को आपने टॉस करने पर उसमें हेड कितनी बार आए और नंबर ऑफ ट्रायल्स, ट्रायल्स की कुल संख्या कितनी है, तो वो उस इवेंट्स की क्या होगी भाई? हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी। क्लियर है? इसके बाद देखिए, इसमें और हम क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे आपने किसी भी कॉइन को 2 times अगर टॉस किया, कितनी बार? 2 times, या तो एक कॉइन को 2 times आप टॉस करें या 2 कॉइन को 1 time टॉस करें, सेम आउटकम्स होंगे आपके। या तो आपने 2 कॉइन दे दिए एक साथ और उनको एक बार टॉस किया, या 2 कॉइन को एक बार टॉस करें या 1 कॉइन को 2 बार टॉस करें, तो सेम आपके आउटकम्स होंगे, सेम रिजल्ट्स होंगे। तो जब एक कॉइन को आप टॉस करते हैं तो जो आउटकम्स होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? हेड और टेल, या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। और जब 2 कॉइन्स को, ये तो 1 पॉइंट के लिए है, और 2 कॉइन को अगर आप टॉस करते हैं तो दोनों के ऊपर हेड हेड भी आ सकता है, एक के ऊपर हेड, एक के ऊपर टेल, टेल और हेड और टेल टेल। तो टोटल जो पॉसिबिलिटीज हैं वो कितनी होगी भाई? 4 और इसमें कितनी होगी? 2। इसी प्रकार से देखिए, अब कोई डाइस है, डाइस ले लेता हूं। अगर आप एक डाइस को 1 time टॉस कर रहे हैं तो 1 time टॉस करने पर जो टोटल आउटकम्स होते हैं वो 6 होते हैं। कितने होंगे? 6, 1, 2, 3, 4, 5
इन सभी आउटकम को अगर हम देखें तो इसके अंदर आपके जो सभी डिजिट्स के आने की जो संभावना है वो सेम इक्वल है। वन भी आ सकता है, टू भी आ सकता है, थ्री भी आ सकता है, फोर फाइव सिक्स। आपने देखो होगा कोई डाइस के ऊपर 1, 2, 6 जो काउंटिंग लिखी होती है, जब भी आप उसको टॉस करते हो तो फ्रंट आपके फेस के ऊपर इन छह में से कोई भी एक डिजिट आ सकता है। तो सभी के आने की जो संभावना है वो कैसी है भाई, सेम है। अब इसी प्रकार से टू डाइस की अगर हम बात करें, अगर दो डाइस को आप एक साथ टॉस करें तो टोटल पॉसिबल आउटकम होते हैं 36। कितने होंगे भाई, 36। वो आपके इस सिलेबस में नहीं है, 10th क्लास में पढ़ेंगे आप। इसके बाद देखिए इसमें और क्या क्या चीज है। और इसके अंदर है आपके अगर प्लेइंग कार्ड की बात करें, ताश के जो पत्ते होते हैं उनका आपको थोड़ा सा इसमें संक्षेप में जानकारी दे देता हूँ। वैसे आपका कंपनी डिटेल से इसकी स्टडी तो हम 10th क्लास में करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप जान लीजिए। जो प्लेइंग कार्ड होते हैं वो टोटल कितने होते हैं भाई, 52 प्लेइंग कार्ड होते हैं। और इनके अगर कलर्स की बात करें हम तो कलर्स होते हैं इसके अंदर टू, एक तो होगा रेड और एक होगा ब्लैक। कलर कितने होंगे भाई, टू होंगे, एक होगा आपका रेड और एक ब्लैक होगा। देखो रेड के अंदर कौन कौन से होंगे, एक तो इसके अंदर आपका आएगा हार्ट और एक होगा डायमंड इस शेप में। ये दोनों तो होते हैं रेड में, और ब्लैक के अंदर भी आपके दो ही होते हैं। यह है किनम, और एक होता है इसमें एक स्पेड। ये हार्ट है रेड कलर, ये डायमंड है रेड कलर, ये किनब है ब्लैक कलर, और ये स्पेड है ब्लैक कलर। इस प्रकार से तो ये इनके बारे में आपको छोटी सी जानकारी दी है। अब देखिए टोटल प्लेइंग कार्ड कितने हुए, 52, कलर 2 है, और ये जो आपको चार ही मैंने सेट दिखाए हैं, ये हार्ट का, डायमंड का, क्लब का और स्पेड का, इन सभी के अंदर 13 कार्ड होते हैं। इसमें भी 13 कार्ड होंगे, इसमें भी 13 होंगे। अब 13 जो कार्ड मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इनके अंदर देखें कि फेस कार्ड कौन से होते हैं, तो फेस कार्ड वो होते हैं जिनके अंदर तस्वीर छपी होती है, उनका फोटो छपा होता है। जैसे एक किंग होता है फेस कार्ड, नहीं देखा मैंने, कौन कौन से टोटल फेस कार्ड तो होते हैं 12,
टोटल फेस कार्ड कितने भाई? 12 होते हैं। कौन कौन से? 3, 3 और जेड। एक सेट के अंदर आपके 3 फेस कार्ड होते हैं और 4 सेट के अंदर टोटल कितने हो गए भाई? 12 फेस कार्ड। और इसके बाद में इसके अंदर 4 एस होते हैं। एस कितने भाई? 4। सभी के अंदर सब सेट में एक एक एस होता है। इसका भी हार्ट का एक एस होगा, डायमंड का, क्लब का और स्पेड का। सबसे बड़ी पावर होती है जो एस की होती है, उसके बाद में किंग, फिर क्वीन और फिर जैक। फिर होते हैं इसमें नंबरिंग कार्ड। नंबरिंग कार्ड हो गए आपके 2 से लेकर 10 तक। 2 से 10, 2 to 10। एक सेट के अंदर टोटल 9 नंबरिंग कार्ड हो गए और पूरे 4 सेट में 36। तो टोटल नंबरिंग कार्ड कितने हुए? नंबरिंग कार्ड 2 to 12, 36। प्लेइंग कार्ड्स 52, कलर 2, रेड एंड ब्लैक। सेट आपके 4 हो गए। तो नंबर ऑफ एवरी सेट 13। प्रत्येक सेट में 13 कार्ड होते हैं। फेस कार्ड देखें तो किंग, क्वीन और जैक, ये फेस कार्ड होते हैं। एवरी सेट में 3, तो 4 सेट में 12 हो गए। 4 एस होंगे। एवरी सेट के अंदर 1 एस। और नंबरिंग कार्ड 2 से लेकर 10 तक की जो नंबर लिखे होते हैं वो नंबरिंग कार्ड होते हैं, उनकी संख्या कितनी है? 36। तो ये आपके कुछ प्लेइंग कार्ड्स थे जिनके बारे में संक्षिप्त में मैंने आपको जानकारी दी है। और देखिए, और जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है उसमें और क्या क्या चीज हम पढ़ेंगे कि जो भी प्रोबेबिलिटी होगी उसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 आती है और मिनिमम 0 होती है। यानी कि आपकी कहीं भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो 1 से कम या बराबर, 0 से बड़ी और 1। ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होगी, मिनिमम 0 होगी, मैक्सिमम 1 होगी। या प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से कम होगी और 0 से बड़ी होगी। ना तो माइनस में हो सकती प्रोबेबिलिटी और ना ही 1 से बड़ी हो सकती। तो जिस भी इवेंट्स में आपकी प्रोबेबिलिटी अगर माइनस में आती है या फिर 0 आती है, माइनस वाली तो पॉसिबल है ही नहीं, और अगर आपकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 आ जाती है तो उसे हम श्योर इवेंट कहते हैं। कौन सी इवेंट कहेंगे भाई? श्योर इवेंट। और जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है वो इम्पॉसिबल इवेंट होती है। कौन सी इवेंट भाई? इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे आपने एक डाइस को थ्रो किया तो इसमें 7 अंक आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए 0 होगी, क्योंकि 7 अंक आ ही नहीं सकता क्योंकि उसके अंदर मैक्सिमम 6 तक होते हैं, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है। और देखिए, कोई भी अगर आपकी इवेंट ई, जिसकी प्रोबेबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे पीई से, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट, अगर कोई भी घटित होने वाली इवेंट होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी को पीई से रिप्रेजेंट करेंगे और नॉट हैपनिंग इवेंट को पीई बार से। ये हैपनिंग इवेंट की प्रोबेबिलिटी और पीई बार, नॉट हैपनिंग इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी। और इन दोनों का अगर हम सम कर देंगे तो वैल्यू 1 आएगी। तो क्या होगा फॉर्मूला इसका? पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1। Probability of happening event and probability of not happening event is equal to 1. The sum of all probabilities equal to 1. सभी probabilities का जो sum होगा वो कितने के equal होगा? 1 के equal होगा।
कितने आ रहे भाई? तो इस प्रकार से ये चैप्टर 15 में जो मेन टॉपिक्स थे जिनका कि हम इंट्रोडक्शन अभी दिया है, यही टॉपिक्स का हम क्वेश्चंस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जो भी मैंने टॉपिक्स बताए हैं इनको रीड करिए और इनसे रिलेटेड आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।